हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। दिनांक 2 जुलाई 2024 को ये शुद्धि पत्र विज्ञप्ति जारी की गई है, जो आप देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस से संबंधित है। ये उत्तराखंड में जो SI की भर्ती होने जा रही है उससे संबंधित है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। यह चैनल आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराते रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखने से पहले यदि आप उत्तराखंड की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें देखिए भर्ती है आपकी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, उसके बारे में अपडेट है। देखिए संपूर्ण जानकारी समझने से पहले आप ये देखेंगे कि इसमें उत्तराखंड में जो भर्ती निकली थी जो आपकी पुलिस SI की, उसके संबंध में ये जानकारी है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी आपका ये आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसके संबंधित आरक्षण की जो डेट दे रखी थी उसको फिर से संशोधित किया गया है कि आपको आरक्षण किस प्रकार मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, कितना परसेंट कौन सी जाति को, OBC को, अन्य पिछड़ा वर्ग को किस प्रकार ये आरक्षण मिलेगा, इसके संबंध में है। देखिए यहाँ पर साफ कह रखा है कि यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए जो भी आरक्षण की सुविधा दे रखी थी उनको निम्न पदवार श्रेणीवार यहाँ पर दिया गया है। उत्तराखंड के जो विज्ञापन संख्या जारी की गई थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस की गई है, उस विज्ञापन में चेंज कर दिया गया है। उसको शुद्धि पत्र एक जारी किया गया है, उसमें ये सूचना दे रखी है कि आपको जो भी आपकी भर्ती होनी है उसमें आपको जो आरक्षण है उसमें परिवर्तन किया गया है, जो आप दे सकते हैं कितना परसेंट परिवर्तन, कौन सी जाति के लिए, कौन सी जनजाति के लिए, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS के लिए। देखिए क्या आरक्षण की सुविधा दी रखी है, हम देखने वाले हैं इसमें। देखिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के पदों पर आवंटन, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ 19% का आरक्षण दिया गया है और यहाँ पर 4% का है अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 19% है। अनुसूचित जनजाति के लिए 4% है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, 14% है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% है, जिसमें महिलाओं के लिए कितना है, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% है, भोजपुरी सेनानी के लिए 5% है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 5% है। इसमें पदों की संख्या देखिए कितनी है, पदों की संख्या इसमें 13 रखी है, इसमें 2 है। आप यहां देख सकते हैं टोटल पद दे रखे हैं 65। इसमें देखिए आगे और भी हैं, और भी पद दिखाने वाला हूं मैं आपको। देखिए यहां पर 19%, 14%, 14%, 4%, 10% है। EWS के लिए 10% है, OBC के लिए 14% है, और ST के लिए 4% है, SC के लिए 19% आरक्षण है, जिसमें पदों की संख्या देखिए 43 है। इसमें 43 पद हैं और इसमें भी महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है, सब कुछ दे रखा है इसमें। साथ ही साथ इसमें ये भी कह रखा है कि आपकी जो महिला के लिए 30% आरक्षण है इसी में से ही आपका आरक्षण बनेगा। 9 सीटों में से 2 सीटें महिलाओं की हैं, 1 है तो इसमें कोई सीट नहीं है, 5 में से 1 महिला की है, 4 में से 1, और बाकी देखिए 5% भूत 5% इसमें से निकाला जाएगा, तो ये 2% बनेगा। इसमें टोटल भर्ती का 5% कितना बनेगा, 2% दो पोस्ट बनेंगी। आपको थोड़ा समझना है इसको, समझने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर दोबारा समझिए यहाँ पर कितनी है, 25 है। 25 में से एक जो 5% का आरक्षण है उसमें ये किस लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। और यहाँ पर ये देखिए महिला के लिए 1% है, एक पद है यहाँ पर, किसका है, वो अनुसूचित जाति का है एक पद। और बाकी आरक्षित के लिए कितना है, 4 पद हैं इसमें महिला के, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ। आगे देखिए यहाँ पर भी वही आरक्षण है और टोटल पद कितने हैं, 89 पद हैं। इसमें देखिए EWS के लिए कितने हैं, EWS के लिए आप देख सकते हैं 8 पद हैं, और OBC के लिए 12 पद हैं, और ST के लिए 3 पद हैं, SC के लिए 18 पद दे रखे हैं, इसमें से 1 पद महिला का दे रखा है, सॉरी महिला का नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दे रखा है, और 4% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, और अनाथ बच्चों के लिए देखिए इसमें इतने 2 पद हैं। आगे देखते हैं, आगे इतने ही है, देखिए टोटल पोस्टें हैं उसके मुताबिक इतने ही दे रखे हैं। यह आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।